हेलो हिंदुस्तान का दिल, मध्य प्रदेश पुलिस डिपार्टमेंट के ऑफिशियल पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे फिल्मी स्टाइल में हुई स्मगलिंग के खुलासे के बारे में। इंदौर नारकोटिक्स विंग ने कैसे किया इस फिल्मी कहानी का पर्दाफाश, आइए आपको बताते हैं। जब इंदौर नारकोटिक्स विंग की टीम ट्रक पर तलाशी कर रही थी, तब ड्राइवर आराम से बैठा मानो खेल देख रहा था। ड्राइवर ने आखिर ऐसा क्यों किया, आइए जानते हैं। इंदौर में नारकोटिक्स टीम को मुखबिर से इनपुट मिला था कि एक ट्रक ड्राइवर इलीगली ट्रक में अफीम छुपाकर मणिपुर से गुजरात ले जा रहा है। सूचना मिलते ही तुरंत एनसीबी अधिकारियों ने एक टीम तैयार की और ट्रक ड्राइवर को पकड़ने में जुट गए। कुछ छुट्टी पर थे, उन्हें भी ड्यूटी पर बुला लिया गया। सुबह 4 बजे से ऑपरेशन शुरू हुआ और इंदौर से गुजरात जाने वाले अलग अलग रूट पर एनसीबी की टीम रेकी करने लगी। हथियारों से लैस पुलिस की टीमों को तैनात कर दिया गया, लेकिन सुबह से शाम हो गई मगर ट्रक का कोई अता पता नहीं था। एनसीबी के पास ये इनपुट भी था कि ट्रक ड्राइवर बेटमा बायपास पर रामदेव ढाबे पर रुकता है, इसीलिए वहां खास तौर से टीम नजर रखे हुए थी। रात हो चुकी थी लेकिन ट्रक के किसी भी रूट से गुजरात की ओर जाने की सूचना नहीं मिली थी। देर रात एक ट्रक रामदेव के ढाबे पर आकर रुका, नंबर चेक किया तो वही निकला जिसकी तलाश में इंतजार करते करते सुबह से रात हो चुकी थी। यहाँ ड्राइवर रात के करीब 3 से 4 बजे तक रुका रहा। उसे पकड़ने के लिए कुछ दूरी पर खड़ी एनसीबी की टीम उसके ढाबे से निकलने का इंतजार कर रही थी। अधिकारियों को ये लगा कि अगर ढाबे पर कार्रवाई की गई तो ट्रक ड्राइवर अंधेरे का फायदा उठाकर भाग सकता है, इसीलिए ट्रक में सवार होने के बाद ही उसे आगे पकड़ा जाए। सुबह करीब 4 बजे ट्रक ड्राइवर ट्रक लेकर ढाबे से रवाना हुआ। वो थोड़ा आगे चला ही था कि टोल के पास उसका इंतजार कर रही नारकोटिक्स की टीम ने उसे रोक लिया। पकड़ाने के बाद भी ड्राइवर ने कोई बेचैनी या हड़बड़ी नहीं दिखाई, वो पूरी तरह से शांत और सामान्य बना रहा। मानो उसे यह अंदाजा हो कि माल ऐसी जगह छुपा रखा है कि नारकोटिक्स की टीम ढूंढ नहीं पाएगी। हुआ भी वैसा ही, पुलिस टीम ने उससे पूछताछ की तो उसे सब कुछ सच सच बताया। उम्र 40 साल, निवासी ग्राम समूह की ढाणी, जिला बाड़मेर, राजस्थान बताया। ट्रक में मक्का थी जिसकी बिल्टी चेक करने पर वो सही पाई गई। ट्रक का नंबर भी उसने नहीं बदला था, वो भी सही था। ट्रक में चेकिंग की गई तो नारकोटिक्स की टीम को कुछ भी नहीं मिला। तब तक ट्रक चालक भी ये मान चुका था कि वो नहीं पकड़ाएगा। ट्रक के केबिन में ड्राइवर सीट के नीचे इस तरह बॉक्स बनाकर उसमें अफीम के पैकेट छुपाकर ले जाए जा रहे थे। नारकोटिक्स अधिकारियों ने जब ड्राइवर को रोक पूछताछ की तो वह इसीलिए भी टेंशन फ्री था। उसे मालूम था कि ऊपर से अधिकारी कितनी भी चेकिंग कर लें, उन्हें अफीम नहीं मिलेगी। इसके बाद नारकोटिक्स की टीम ने मुखबिर से संपर्क किया और बताया कि ट्रक में अफीम नहीं निकली, जिसके बाद मुखबिर ने ट्रक के केबिन में ड्राइवर सीट और क्लीनर सीट के नीचे माल होने का इशारा किया। अधिकारियों ने चेक किया तो वहां भी कुछ नहीं मिला था। इसके बाद सीट के नीचे जो वेल्डिंग की गई थी उसकी जाँच की गई, उसे तोड़ने में भी टीम को काफी मशक्कत करनी पड़ी। कुछ पुलिस वालों के हाथों में चोट भी लगी। ऊपर लोहे का हिस्सा जब हटा तो नारकोटिक्स के अधिकारी भी हैरत में पड़ गए। छोटे छोटे पैकेट तैयार कर अफीम को छुपाया गया था। माल जब्त करने के साथ ही ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया। यह इंदौर में पकड़ी गई अब तक की सबसे ज्यादा कीमत की अफीम की खेप थी। ट्रक में ड्राइवर सीट के पीछे 110 पैकेट में 80 किलो 250 ग्राम अफीम की तस्करी करते हुए चालक को पकड़ा गया। इसकी कीमत 2,40,00,000 रुपए है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में मध्य प्रदेश पुलिस की एक नई उपलब्धि के साथ। जय हिंद, जय भारत।